नमस्कार, मेरा नाम है चंद्रमणि शुक्ला और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान आज गुरुवार को हो गया है। प्रदेश में दो चरणों में चुनाव होने हैं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। गुजरात चुनाव दो चरणों में होगा, 1 और 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं हिमाचल चुनाव के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही जारी होंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक गुजरात चुनाव में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इससे पहले साल 2017 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी ने 6ठी बार चुनाव जीतकर सरकार बनाई थी। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी का दबदबा है और इस बार भी भाजपा ही प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, लेकिन केजरीवाल की सक्रियता ने मुकाबला बेहद रोचक बना दिया है। अगर बात बीते चुनाव की करें तो 2017 में गुजरात का मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को बनाया गया था, लेकिन सितंबर 2021 में रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल ने ले ली। साल 2017 में गुजरात चुनाव भी दो चरणों में हुआ था। इस चुनाव में बीजेपी ने 99, कांग्रेस ने 77 और अन्य के खाते में 6 सीटें आई थी। इस दौरान बीजेपी के वोट प्रतिशत की बात करें तो 2017 में 49.05% वोट मिला था। इसके अलावा कांग्रेस को इस चुनाव में 41.44% वोट मिला था। वहीं गुजरात के जातीय समीकरण की बात की जाए तो इसमें सबसे अधिक कोली समुदाय के वोटरों की संख्या बताई जाती है। इसके बाद पाटीदार समुदाय की गुजरात चुनाव में बहुत अहमियत मानी जाती है। गुजरात में कोली 24%, पाटीदार 15%, मुस्लिम 10%, एसटी 15%, एससी 7%, ब्राह्मण 4%, राजपूत 5%, वैश्य 3% और अन्य 17% वोटर्स हैं। इसके अलावा गुजरात विधानसभा के सीटों के गणित की बात करें तो प्रदेश की कुल 182 सीटों में सामान्य सीटें 142, एससी सीटें 13 और एसटी के लिए सीटों की संख्या 27 है। गुजरात में क्षेत्रीय समीकरण के लिहाज से रीजन वाइज सीटों की संख्या पर नज़र डालें तो सौराष्ट्र रीजन में 54 सीट, मध्य गुजरात में 63 सीट, दक्षिण गुजरात में 33 सीट और उत्तर गुजरात में 32 सीट हैं। ऐसे में इस बार भाजपा अपनी सत्ता बचाने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी तो बीच पक्षी पार्टियां अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही। सबसे खास बात यह है कि यहाँ अगर मौजूदा समय में देखा जाए तो कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन इस बार यहाँ आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। पंजाब के विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उनके हौसले और बुलंद हुए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल और तमाम चुनावी सर्वे ने फिलहाल राज्य में बीजेपी को ही बहुमत मिलने का दावा किया है। वहीं कुछ सर्वे कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी के मुख्य विपक्षी बनने की ओर भी इशारा कर रहे हैं। इन सबको देखते हुए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत भी झोंक दी है। वैसे तो मौजूदा समय की भाजपा हर चुनाव को पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन गुजरात का चुनाव उसके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उसे सीधा प्रधानमंत्री मोदी की साख से जोड़ा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो प्रधानमंत्री की ये नाक का सवाल है और अगर गुजरात में कुछ 19-20 होता है तो इसका संदेश पूरे देश में जाएगा और इसी को जानते हुए केजरीवाल गुजरात में पूरी तराकत से लगे हुए हैं। अब ये तो भविष्य ही बताएगा कि कौन कितना कामयाब होगा, लेकिन ये बात जरूर है कि चुनावी घोषणाओं का दौर पहले से ही शुरू हो चुका है। इसमें आम आदमी पार्टी ने जमकर घोषणाएं की हैं तो ऐसे में मुकाबला बेहद कांटे का हो गया है। गुजरात चुनाव का परिणाम ये भी तय करेगा कि देश में विपक्ष की राजनीति का भविष्य क्या होगा और उसकी धुरी क्या होगी। इन परिणामों का सीधा असर 2024 के आम चुनाव से पहले विपक्षी एकता के स्वरूप पर भी पड़ेगा।
अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।